नथू जी सरदार जी, आज मेरे दिल को थोड़ी सी शांति मिली है। हाँ हाँ, आपका जो वचन था, आपका जो बदला था, वो पूरा हो गया। हाँ नथू, अब आज से हम लोग आजादी की जिंदगी जिएंगे। लेकिन नहीं, फिर अगले साल जब रक्षाबंधन आएगा, हाँ, तो उसका दूसरा हाथ काटूंगा। इस वर्ष 5 वर्ष में उसके 5 अंग को काट कर चील कौवे को खिलवा दूंगा। पहला दहिना हाथ, फिर बावा, फिर हाथ, फिर दोनों पैर, फिर मुड़, 5 अंग हो जी है पूरे। बिल्कुल ठीक है सरदार जी, जैसा आपने सोचा है वैसा ही होगा। तू कहाँ है मुझे दिन रात के चाहने वाले, मेरी आंखों को नया ख्वाब दिखाने वाले, मेरी आंखों को नया ख्वाब दिखाने वाले। हंसने लगते हैं मुझे देख जमाने वाले, हंसने लगते हैं मुझे देख जमाने वाले। कौन इंस्पेक्टर, तुम नहीं सुधरोगे ना? अरे जब तू रही सुधार, मैं कैसे सुधरू? कमी नहीं तेरे जो थर्स का भूत सवार है ना, अपने भूत को उतार और मेरा पीछा करना पड़ता। कमी नहीं, मैं जानता अब तू जिंदा नहीं बचेगा। देख स्ट्रक्चर, मुझे थोड़ी सी खुशी मिली है, मेरी खुशी का बिकने में मैं। कमी नहीं, तुझे खुशी मिली है लेकिन मेरी खुशी का तूने कलारों दिया। कमी नहीं, देख संचर, मैंने अपना बदला लिया है। का बदला? से मैं नहीं जानता, लेकिन तुझे गिरफ्तार करके रहूं जिंदा या मुर्दा। अरे तू क्या गिरफ्तार करेगा, तेरे साथी कई आए और चले गए, जग्गा के आसपास भी नहीं टिक सकते। मैं कहता हूं अपने आप का अबे क्या नकली निराला? सबका मौत डर अब यही से ले। सरो पे दागिन दे अब। ए सरा गोली मत चलाना। चल बाप। मुझे ना दांत पीछे करो। यस सर। यस सर। अबे मार दे अब तुमका अब पे। ढिचू। नथू, देख नथू। क्या बात सरदार जी? कुलसी ने चारों तरफ से घेर लिया है। हाँ, ऐसा कर। हाँ, तू जा उस पहाड़ी के बीच से निकल जा। हाँ, और मैं इस गांव में होकर मैं तुझे वही काली पहाड़ी पे मिलूंगा। बात अच्छी, तू जा। तुम लोग चलो। या खुदा, आज मेरा बच्चा होता मेरी गोद में खेलता होगा, लेकिन अब वो इस दुनिया में कहाँ रह गया। अलमा जुर्म की ऐसी आंधी चली, करबला में मोहम्मद का घर लुट गया। अलमा जुर्म की
सियादी चली करबला में, मोहम्मद का घर लुट गया। अलमा जुर्म की ऐसी आंधी चली करबला में, मोहम्मद का घर लुट गया। हैदरे फातिमा का सुख छिन गया, हैदरे फातिमा का सुख छिन गया। कमली वाले का नूरे नजर लुट गया, हैदरे बहन बहन मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, मुझे कुछ समय के लिए आसरा चाहिए। ठीक है, आप हमारे कमरे के अंदर चले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे बारे खून ले रहा है, कोई बात नहीं, खून की चिंता मत करो। मेरे मौला, इस अजनबी की रक्षा करना। रामदयाल, यस सर, ये खून का छींटा देख रहे हैं। ये खून कोई चुआवत गवाह है क्या? सितारा, ये खून कैसा है? इस फर्श पे ये खून कैसा है? सर कुछ नहीं, ऐसे मेरी चोट लग गई थी। क्या चोट लग गई थी? पैर में। भाभी करी चूड़ी आए टूट गई है। सितारा, मेरे प्यास लगी है, मैं जा एक ग्लास पानी लेके आता हूँ। तेरे में पानी लेके आ रही हूँ। क्यों? इतनी पानी लेके आ रही हूँ। अरे तू तकलीफ क्यों करेगी सितारा? मैं पानी लेकर आ रही हूँ आपके लिए। मुझको चक्का, मुझको में चक्का, यह मुतलक थी मुझको में चक्का, या मतलब न थी, भाग कर आएगा तू मेरे ही घर, आज जिंदा नहीं जान पावेगा तू। फजे कानून है, फजे कानून। जोड़ कर हाथ के तुआ का मेरे, लीजिए अपना पिस्तौल नीचे झुका। आज करे गिरफ्तार उसको नहीं, क्योंकि है आज अपनी सरड़ा। मैं उसको गिरफ्तार करके दम लूंगा, देखता मुझे कौन रोकता है। फर्ज पर लाल कुर्बान अपना किया, फर्ज ही के लिए एक मेरी अर्ज है, करिए उसकी हिफाजत जो आया शरण, होता इंसानियत का यही फर्ज। बात ऐसी तो बदलती नहीं, तू पुलिस इंस्पेक्टर की खातून है, कुछ समझ में ना आए जब फंसे इंसानियत, क्योंकि कानून ही कानून। हिफाजत करो अपने कानून की, मैं निभाऊंगी फर्ज इंसानियत। इस घड़ी आप चुपचाप जाओ चले, चाहते खैरियत हो अगर जान की।
चलाने पे। क्या? अरे सितारा, तू अपने ससुराल पे गोली चलाएगी? नहीं ना, आज की नारी ऐसा कभी नहीं कर सकती। आप अंदर न जाने से मानेंगे तो कर के कर्तव्य अपना दिखा दूंगी मैं। एक भी पैर घर से तुम्हारा बढ़ा, सत्य कहती हूँ, गोली चला दूंगी मैं। सितारा, तू रोकेगी मुझे? मैं देखता हूँ कैसे तू गोली चला दी है। अजनबी, तुम हमारे घर से जा सकते हो, बहुत जल्द निकलो। गिरफ्तार कर लो। ऐ मेरे आका, मुझे माफ कर दो, ये हमारा फर्ज बनता था आप पर गोली चलाने को। सितारा मेरी जान, अरे तुझ पे तो मेरा नाज है मुझे, लेकिन मैं भी मजबूर हूं। जैसे तूने अपना फर्ज निभाया, मुझे भी अपना फर्ज निभाना है। मुंशी रामदयाल, गिरफ्तार कर लो। बहुत अच्छी बात। और ठीक, चाहे अन्य कैदी है, ठीक उसी तरह सितारा को जेलखाने में डाल दो। ये मेरा हुक्म है। यस सर। सितारा घबराओ नहीं, मैं तुझे दिलो जान से चाहता हूँ सितारा, लेकिन फर्ज फर्ज के आगे मैं मजबूर हूँ। ये मत सोचना कि मैं तुझसे नाराज हूं। नहीं सितारा, नहीं, ले जाओ। चंदा रे मेरे भैया से कहना, मेरे भैया से कहना, बहना याद करे चंदा मेरे भैया से कहना, हे मेरे भैया से कहना, मेरा याद। सरदार जी, बहुत गजब हो गया है। अरे आज तो ये बाल बाल बच गया। क्यों, तुम लोग सही सलामत पहुंच गए थे डे पर? हाँ। लोग पहुंच गए थे, लेकिन सरदार जी, अरे ये समझो कि उस नारी, उस औरत ने मुझे बचा लिया। अरे वो इंस्पेक्टर का ही घर था, मैं जिस घर में झुक गया था। हाँ, आपका नसीब था, आप बच गए, लेकिन देखो आप नहीं जानते आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और धोखा देने वाला वो इंस्पेक्टर है। हमारे साथ धोखा? हाँ, हमारे साथ धोखा कैसे? आप खुशी मना रहे हैं, जिसका आपने जिसको पर गोली चलाई, जिसे आपने ठाकुर का बेटा समझकर खत्म किया, वो ठाकुर का बेटा नहीं बल्कि तुम्हारी बहन सितारा का बेटा, तुम्हारा भांजा था। क्या? और वो जो इंस्पेक्टर है वो तुम्हारा भानोई है। जिस औरत ने तुम्हें घर में पनाह दिया वही तुम्हारी बहन सितारा है। ऐसा नहीं हो सकता, ये गुनाह मेरे हाथों से नहीं हो सकते। ये बात सच है सरदार जी, इन हाथों से मैंने अपने भांजे का कत्ल कर डाला, और मेरी बहन ने मुझे बचाया। हाँ, अपने शौहर पर गोली चला दिया। तुम्हारे लिए उसने अपने शौहर पे गोली चलाई? नथु, क्या बात है नथु, तू एक काम कर। क्या करना होगा? सबसे पहले तू माँ भवानी के सामने कसम खा कि जो मैं कहूंगा वो तुझे करना होगा। ठीक है सरदार जी, मैं माँ भवानी की कसम खाता हूँ, जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा करूंगा करूंगा। तो फिर हाथ में तलवार ले और मेरे दोनों हाथ काट दे। ये क्या कह रहे हैं सरदार जी आप? हमने आपका नमक खाया है। हाँ नथु, हाँ,
हम ऐसा कर सकते हैं? कई नहीं हाथों से हमने आपका नमक खाया, आपके हाथ काटूंगा। नहीं चाहिए नहीं। मुझे ये हाथ न, तू जितनी जल्दी हो सके ये हाथ मेरे दल से अलग कर दे। तलवार ला और चलम माँ के दरबार, मेरे हाथों को काट दो। ठीक है, आपने मुझे कसम खिला के मजबूर किया है तो चलिए माता रानी के दरबार, वहीं आपके दोनों हाथ काट कर माता रानी के दरबार में चढ़ा दिए जाएंगे, ताकि आपने जो गुनाह किया है उस गुनाह का आपको प्रायश्चित मिल जाए। हाँ, उस गुनाह की आपकी माफी मिल जाए। सीतारा बहन, मैं माफी के लायक तो हूँ नहीं, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। आइए आइए सरदार जी, चलते हैं। चलो। सीता न रोई अपने राम को पुकार के, राम नहीं लौटे हाय मिर्गा कुमार के, राम नहीं लौटे हाय मिर्गा कुमार। मुंशी रामदयाल। यस सर। सीतारा की फांसी का फंदा तैयार करो। बहुत अच्छी बात है। सीतारा, मैं मजबूर हूं मेरी जान, लेकिन मैं कर क्या सकता, और फांसी का फंदा ये तेरे लिए तैयार है। फांसी का फंदा, फांसी का फंदा हम तेरे लिए तैयार है। मरने वाले ये बता, और किसकी तुझे दरकार है? मरने वाली ये पता, सितारा देखो वादा निभाना निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे देखो वादा निभाना निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। सर का ये हुक्म है कैसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए? रामदयाल। यस सर। टाइम बहुत कम है, फांसी दी जाए। बहुत अच्छी बात है। नंबर बोलिए। मुंशी रामदयाल नंबर बोलो। एक दो ये कौन? कौन? जो इंस्पेक्टर साहब। छक्का। तीन मत कहना। आखिर तेरी मौत यहां तक खींच लाई है। हाँ इंस्पेक्टर, आप जो समझे। क्या कर रहे हैं मुंशी रामदयाल? इंस्पेक्टर एक तो हाथ वाथ कुछ है नहीं। क्या एक दोनों अलग तो हाथ ही नहीं है। छक्का, ये मेरी बहन है। कौन? ये मुसलमान, आप हिंदू। ये कैसे हो सकता है? एक मुसलमान और हिंदू भाई हूँ। नहीं, मैं नहीं मानता। कैसे तेरी ये बहन, कैसा तू भाई इसका? इंस्पेक्टर जानना चाहते हो? हाँ हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। तो फिर सुनो,
नालो। लगभग 7-8 साल पहले की बात है, रक्षाबंधन का त्योहार था, सारे लोग खुशियां मना रहे थे, मेरे कोई बहन नहीं थी, इसलिए मैं अपने दरवाजे पर बैठकर रो रहा था। उधर से सीता बहन रो रहा था क्योंकि मेरे कोई बहन नहीं थी, मेरे राखी बांधने वाली कोई बहन नहीं थी, मुझे बहन का प्यार नहीं मिला था। और ये बहन सितारा उसी रास्ते से निकली, मुझे देखकर पूछने लगी कि आखिर आप क्यों रो रहे हैं। हमने बहन सितारा को बताया, सितारा के दया आ गई, सितारा ने मुझे राखी बांध दिया। उसी दिन से हम दोनों बहन भाई हो गए। एक जगह एक दिन का था, तू बहन भाई से मेरा संबंध नहीं, लेकिन तू डाकू कैसे बना कमीने, मैं जानना चाहता हूँ। वही तो मैं बता रहा हूँ इंस्पेक्टर, आप केवल सुनते जाइए। उसके बाद आप सुन सकेंगे। मैं सुन सकूंगा। उसके बाद बहन सितारा के ऊपर ठाकुर विक्रम की नजर बहुत दिनों से बनी थी। एक दिन का इत्तेफाक, ठाकुर के गुंडे मेरी बहन को उठाकर ले गए। ये बात मैं आपको बताना नहीं चाहता था, लेकिन बताना पड़ेगा। एक दिन उठा ले गए, मैं अपने बापू की दवाई लेने जा रहा था, मेरे बापू की तबीयत बहुत खराब थी। फिर क्या हुआ? एक मेरा दोस्त है महेश, उसने आकर मुझे बताया कि तेरी बहन को ठाकुर के गुंडे उठा ले गए। मैंने अपने दोस्त महेश को पैसे दे दिया और कहा कि जाओ तुम दवाई लेकर के बापू को पिला देना, मैं बहन सितारा को बचाने जा रहा हूं। मैं दौड़ा दौड़ा ठाकुर विक्रम की हवेली पहुंच गया, अपनी बहन को तो बचा लाया, लेकिन मैं न बच सका इंस्पेक्टर, मैं न बच सका। उसने मेरी जिंदगी में ऐसी आग लगा दी, ऐसी तबाही मचा दी कि मेरी जिंदगी में कुछ ही नहीं बचा, सारी खुशियां तबाह हो गई, मैं बर्बाद हो गया, मेरा बापू मुझसे छीन कर चला, खत्म हो गया, मुझे जेल भेज दिया गया, मुझे 5 साल की सजा हो गई। जब मैं 5 साल वहां के बाद वहां से निकला, तब मैं डाकू बना इंस्पेक्टर जगत, और मैंने सौगंध खाई थी। तू डाकू नहीं, तू तो देवता है, देवता नहीं इंस्पेक्टर, नहीं, देवता तो मेरे बहन और मेरे बहनों ही हैं, क्योंकि आपने अपने फर्ज के खातिर अरे जगत बेटे को कुर्बान कर दिया। सब छोड़ जगत, सब छोड़, लेकिन ये बता, ये तेरे हाथ कैसे कटे जगत, कैसे कटे? इंस्पेक्टर मेरे हाथ रखने के लायक नहीं थे, ए मेरे हाथ मेरे भांजे के कातिल थे, इन हाथों को मैं रखना नहीं चाहता था, इन हाथों से ही मैंने अपने भांजे का खून किया है। गुनहगार मेरी बहन नहीं, गुनहगार मैं हूं, फांसी मुझे दी जाए, मुझे कहीं जगत कहीं। तू तो देवता है, देवता मुंशी रामदयाल। यस सर। सितारा को फांसी सुधार दिया जाए। ऑर्डर ऑर्डर। पूरे बयान सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिमा सितारा को बाइज्जत बरी करते हैं। सितारा देख, तेरा भाई तेरे सामने खड़ा है। भैया मत जगत, ये प्रतिशोध उस ठाकुर कमीने से, हम और दोनों भाई मिल के लेंगे। आओ जगत, चलो। और यारो मेरा तमाशा इस दम खत्म हुआ है, यारो मेरा तमाशा इस दम खत्म हुआ है, सबको खुशी हुई है, दुश्मन को गम हुआ है। दाता
तेरे कई नाम दाता दाता तेरे कई नाम कोई पुकारे किसी नाम से आए तू सब के काम दाता दाता तेरे